Uh, as previously, we have seen that there could be a number of types of alternative assessment. So, one of them is dynamic assessment. Dynamic assessment is an interactive approach to assessment that focuses on a learner's potential for learning and their ability to benefit from instructional support. So, it goes beyond measuring fixed knowledge or skills and evaluates the learner's ability to acquire new knowledge and skills with guidance. हम ये कह रहे हैं कि डायनामिक असेसमेंट जो है वो बहुत सी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा एक करने से हम कर सकते हैं जैसे जिस जिस तरह से भी बच्चा क्लासरूम के अंदर बिहेव करता है ड्यूरिंग एकेडमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग प्ले एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग रोल प्ले ग्रुप एक्टिविटीज कलाबोरेशन कोप्रेशंस वट एवर ही और शी डज वी कैन रिकॉर्ड इट एंड वी कैन असेस इट सो दसर मीडिएट्स द लर्निंग प्रोसेस बाई प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू हेल्प द लर्नर ब्रिज द गैप एंड डेवेल्प न्यू स्किल्स और नॉलेज हमें यह देखना है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है अगर वो कहीं रुकता है या उसको कोई दिक्कत पेश आती है या कोई डिफिकल्टी है तो जो हमारा एजुकेटर है एज ए फैसिलिटेटर वो उसको हेल्प आउट करता है उस रुकावट को दूर करके उसको अगले स्टेप पे जाने में मदद करता है यानी डायनामिक असेसमेंट इस तरह से है कि आप बच्चे को असेस भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली आप उसको गाइड भी कर रहे हैं तो दोनों काम हम साथ साथ करेंगे जिसका मतलब ये है कि हम उसको चाहते हैं कि वो कुछ परफॉर्म करे इस दौरान अगर उसको कोई दिक्कत पेश आ रही है तो हम उसको हल करने में उसकी मदद करेंगे डायनामिक असेसमेंट इन्वॉल्व एन इंटरएक्टिव प्रोसेस यानी इट्स अ टू वे प्रोसेस टीचर का और स्टूडेंट का इकट्ठा एक, एक साथ इस चीज़ को देखना के ज्यादा से ज्यादा कैसे कोई एक्टिविटीज की जा सकती हैं कैसे उसको परफॉर्म किया जा सकता है विद द विदेस प्रोवाइडिंग एंड फीडबैक टू सपोर्ट द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज स्कैफ फोल्डिंग ये होती है कि आप जब वहाँ बच्चा रुकता है किसी चीज़ में उसको मुश्किल पेश आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा आगे समझाते हैं थोड़ा आगे बताते हैं किसी नक्शे की मदद से किसी क्लू या हिंट की मदद से कोई फ्लो चार्ट उसको बना के बताते हैं या जैसे फर्ज करें आप उसको ब्लॉक्स से कोई नई चीज बनाने को कह रहे हैं और फिर आप उसको बताते हैं कि देखिए अगर हम ब्लॉक्स को इस तरह से जोड़ लें और एक कॉलम ये बना लेते हैं और एक कॉलम ये बना लेते हैं तो आपको पता है कि इसकी छत जोड़ने के लिए किस तरह से हम एक दूसरे से इन ब्लॉक को सहारा दे सकते हैं आपने उसको कुछ क्लू देना है कुछ थोड़ी सी मदद वहां कर देनी है जहाँ वो अटकता है या रुकता है और इस तरह से ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जारी रहती है अदरवाइज ये होगा कि वो पहले ही स्टेप पे या दूसरे ही स्टेप पे रुक जाएगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और हो सकता है आप उसको फिर वहाँ पे गलत तरीके से असेस कर लें कि वो इससे आगे नहीं जा सकता जबकि जैसे ही वो हिंट या क्लू उसको दिया जाता है या उसके हर्डल को हम रिमूव करते हैं तो वो स्टेप फॉरवर्ड करता है सो इट आइडेंटिफाइज अ लर्नर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट विच इज़ द गैप बिटवीन वॉट द लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड वट दे कैन अचीव विद सपोर्ट तो जो हमने जोन ऑफ प्रॉग्जिमल डेवेलपमेंट की वोसकी की थेरी की बात की है वो यहाँ पर अप्लाई होती और दिलचस्प बात यह है कि उसमें हम ये कहते थे कि कोई मेच्योर इमेचोर की हेल्प करे या आप कहीं स्कैप फोल्डिंग कर रहे हैं या मदद दे रहे हैं या क्लू दे रहे हैं बच्चे को तो वो हम उस वक्त उसको सिखा रहे होते थे अब डायनामिक असेसमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट जो आपके याद रखने का है वो ये है कि इसमें असेसमेंट के साथ साथ गाइडेंस भी चलती हैं जहाँ कहीं बच्चा रुकता है किसी मसले का शिकार होता है वहाँ आप उसकी मदद करते हैं और उसको आगे निकलने में मदद देते हैं फिर जहाँ तक वो जा सके आपकी मदद के साथ वो सारा टाइम आप उसको देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके क्रेडिट में वो सारी परफॉर्मेंस जाएगी जो दूसरों की मदद के साथ भी गई और जो उसने खुद से भी की यानी एक बच्चे की प्रोग्रेस इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है लेकिन प्रोग्रेस तो है ना तो इंडिपेंडेंटली कितना उसने प्रोग्रेस किया और आपकी मदद से डिपेंडेंटली उसने कितनी प्रोग्रेस की तो हम उन दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे